Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 8, body movement. In today's class, we discuss the movement of two muscles work together to move a bone. कोई भी movement होता है उसके अंदर कितनी bones work करती है बेटा, two bones work करेंगी. Clear है? Just यहाँ पर आपको एक activity दी हुई है कि make a fist With one hand, आप एक हैंड से फिस्ट बनाएं, मुट्ठी बनाएं और बेंड योर आर्म एट द एल्बो. जैसे आप अपनी मसल शो करते हैं ना, उस तरीके से आप अपनी एल्बो को बेंड कीजिए एंड टच योर शोल्डर. इसको टच करना है, आपके शोल्डर को टच करना है विद द थंब से. डू यू सी एनी चेंज योर अपर आर्म? आपकी अपर आर्म में कुछ भी चेंज हुआ? टच इट विद योर अदर हैंड. डू यू ऑब्जर्व अ सोलन रीजन इज द अपर आर्म? ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ही ये पार्ट इस तरीके से मूव होगा, यहाँ की जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो ये देखिए, यहाँ की जो मसल्स हैं पहले एक्सपेंड हुई हुई थी, जैसे ही हम इस आर्म को अपर साइड में करेंगे तो यहाँ की जो मसल्स हैं वो क्या हुई, थिक हुई और कॉन्ट्रैक्ट हो गई. क्लियर है? अपर मसल्स की बात करें, इसी की जगह पर हम लोअर मसल्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो लोअर मसल क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी और थिन हो जाएंगी. ठीक है, तो अपर मसल क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई और थिक हुई, और जो लोअर मसल्स हैं वो एक्सपेंड हुई और थिन हो गई. तो इसीलिए जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारे हैंड की जो मूवमेंट हुई है, इसी तरीके से सेम हमारे लेग की जो मूवमेंट होती है उसमें टू मसल्स पार्ट लेती है. ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है बाइसेप्स. बाइसेप्स मीन्स की टू मसल्स इसमें क्या कर रही है, पार्ट ले रही है. कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होगा और सेम इसका अपोजिट फंक्शन करेंगे. अपोजिट फंक्शन मीन क्या हो गया, सपोज हम इस हैंड को नीचे की तरफ इस तरीके से इसको यहाँ पर बेंड करते हैं. ठीक है, तो इस हैंड को हम इस तरीके से जब बेंड करेंगे तो यहाँ की जो मसल्स हैं, अपर आर्म की जो मसल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी, और नीचे वाली मसल्स जो हैं वो थोड़ा थिक हो जाएंगे. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो हमेशा कोई भी हमारे बॉडी का जो बोन मूवमेंट होता है, जॉइंट पर मूवमेंट होता है, उसमें कम से कम टू मसल्स क्या लेती है, पार्ट लेती है. अपर वाली क्या हो गई, अपर वाली को कॉन्ट्रैक्ट हुई और थिक हुई, और जो नीचे की तरफ वाली जो पार्ट है वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा और थिन हो जाएगा. और जैसे ही हम शोल्डर की तरफ से अपने हैंड को वापस रिलैक्स फॉर्म में लेके जाएंगे तो अपर वो अपर मसल्स क्या हो जाएंगी, अपर मसल्स एक्सपेंड थिन हुई, और जो लोअर मसल्स हैं वो क्या होंगी, वापस कॉन्ट्रैक्ट होकर थिकर हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी. ठीक है, तो इस तरीके से ये अपर, दिस इज अ मसल्स, ये जो आपको रेड कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये मसल्स हैं. द मसल बल्जेस टू द कॉन्ट्रेक्शन, इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ. जैसे ही मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा उनकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, वापस से आप अपनी आर्म को नॉर्मल पोजिशन पे लेके आएंगे तो क्या होगा, वॉट हैपन टू द मसल्स, इज इट स्टिल कॉन्ट्रेक्टेड, अभी भी वो मसल्स कॉन्ट्रेक्टेड रहेंगी क्या? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक एंड रन. सबसे पहले तो अपन इसका आंसर कह देते हैं कि जब हम अपनी आर्म को वापस से रिलैक्स या नॉर्मल पोजीशन के अंदर लेके आते हैं तो क्या वो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा. क्या होगा, वो वापस से क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी, और वो जो साइज जो स्मॉलर हुआ था वापस से नॉर्मल जो साइज है मसल्स का वो हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग. जो सेम हमने हैंड की मसल्स का जो मूवमेंट रीड किया है कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, सेम यही प्रोसीजर किसके अंदर काम करेगा, हमारे लेग के अंदर काम करेगा. कब, जब हम वॉक करते हैं या रन करते हैं. तो जैसे ही वॉक करेंगे हम अपने पैर को बैक साइड की तरफ जैसे ही टर्न करेंगे तो हमारी जो अपर आर्म्स हैं लेग्स की वो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होकर थिक हो जाती है. वापस हम लेग को नॉर्मल पोजिशन पे लेके आते हैं तो वापस से वो रिलैक्स फॉर्म में आकर उसको थिन कर देती है. आई थिंक इट्स क्लियर. नेक्स्ट, मसल्स वर्क इन पेयर व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट. मसल्स क्या करती हैं, वर्क करती हैं हमेशा पेयर में, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट होती है और पुल्ड इन द डायरेक्शन द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स. जो दूसरी मसल है वो रिलैक्स होती है टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन. जो अदर मसल है वो रिलैक्स होकर अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है. द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन. जो रिलैक्स मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और वो बोन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी पुल ऊपर की तरफ उठ जाएगी टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन. ओरिजिनल पोजिशन की तरफ
while the first relax a muscle can only pull. पहला relax एक muscle pull होती है, it cannot push. Thus two muscles have to work together to a bone. एक bone के जो movement में two muscles क्या करती हैं, help करती हैं movement के लिए. Our muscles and bones always require for movement. क्या muscles और bones जो हैं वो हमेशा require करेंगे movement के, दोनों चीजें require होती हैं. How do other animals move? तो हमने देखा हाँ muscles और bone दोनों requirement होता है किसमें, movement में help करने में. How do other animals, जो दूसरे animals हैं, ये तो हमने human being की बात कर ली कि भाई hand ऐसे move करता है, leg ऐसे move करता है. क्या other animals के अंदर वो move कैसे करते हैं? Do all animals have bone? क्या सभी animals के अंदर bones present होती हैं? What about an earthworm and snail? Let us study the manner of movement, that is the gait of the animal. देखिए अभी हमने पढ़ा कि भाई मसल्स और बोन्स क्या कर रही हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं. अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जितने भी एनिमल्स हैं सबके अंदर बोन प्रेजेंट होती हैं? नो. जैसे एग्जांपल अर्थवॉर्म एंड स्नेल, अर्थवॉर्म और स्नेल के अंदर बोन प्रेजेंट होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है. ठीक है, तो इन एनिमल्स के अंदर कैसे मूवमेंट होता है, लेट्स स्टडी गेट ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट वन इज अर्थवर्म. गेट मीन्स क्या हो गया बेटा, चाल, कैसा मूवमेंट करते हैं ना, तो गेट मीन्स चाल वर्ड होता है. ठीक है, गेट ऑफ एनिमल्स हम किसकी रीड कर रहे हैं अभी, अर्थवर्म की. आपने अर्थवर्म में गार्डन के अंदर देखा होगा इस तरीके का जो एनिमल है उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थवर्म बोलेंगे. ठीक है, ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, gently lift it and place it on a piece of blotting paper. आप क्या करें, वहां से अर्थवर्म को पिक करें, सॉइल में आपको इजीली दिखाई दे जाएगा, गार्डन सॉइल में. gently lift it and place it on a blotting or filter paper. आप उसको कहां पर प्लेस कर दो, ब्लॉटिंग पेपर पे या फिल्टर पेपर पे प्लेस कर देते हैं. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट और उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करो. देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट. उसके बाद में हम एक स्मूथ ग्लास प्लेट जो हमने स्लाइड पहले पढ़ी थी वो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अर्थवर्म को प्लेस कर देंगे, और या कोई दूसरी स्लिपरी सरफेस. ठीक है, क्योंकि ब्लोटिंग पेपर थोड़ा रफ होता है. ठीक है, तो ये जो ग्लास प्लेट होती है वो थोड़ी स्लिपरी सरफेस में उस पर ओपन प्लेस कर देते हैं. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर. जो अर्थवर्म मूव करेगा तो किस पे इजीली मूव कर पाएगा. देखिए कोई भी एनिमल है या अपन लोग भी हैं, ह्यूमन बीइंग भी है, स्लिपरी सरफेस पे इजीली मूव नहीं हो पाते. ठीक है, और किस पे, थोड़ी रफ सरफेस होती है तो उस पे इजीली मूव आएंगे. तो हम देखते हैं कि अर्थवर्म जो है ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे इजीली मूव हो पाता है, किसके कंपैरिजन में, स्लिपरी सरफेस के कंपैरिजन में. ठीक है, इन विच अबाउट टू सरफेस यू फाइंड ओके, द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स. आप इस पिक्चर में भी देखिए, आपको बहुत ज्यादा छोटी छोटी स्मॉल रिंग्स इस जगह पर बनी हुई है. देखिए इस तरीके से इसकी बॉडी पे इस तरीके की रिंग्स, पूरी बॉडी पे इस तरीके से राउंड होती है. आपको नीचे वाले पिक्चर में और ज्यादा क्लियर होगी. ठीक है, तो मेड अप ऑफ मेनी रिंग ज्वाइन एंड टू एंड, ये पूरी रिंग बनी हुई होती है और पूरा आपस में ज्वाइन होता है. ठीक है, एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स. और अर्थवर्म में क्या प्रेजेंट नहीं होता बेटा, बोन प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होती. इट हैज अ मसल्स व्हिच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. इसके अंदर मसल्स ही होती हैं जो हेल्प करती हैं बॉडी को एक्सटेंड करने में, मींस लंबा करने में, लार्जर करने में, एंड शॉर्टन, और बॉडी को शॉर्ट करने में. कौन हेल्प कर रहा है बेटा, ओनली एंड ओनली मसल्स हेल्प कर रही है. ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, keeping the rearer portion mixed to the ground. अब देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है, आप फर्स्ट पिक्चर के अंदर ऑब्जर्व कीजिए. यस, फर्स्ट पिक्चर के अंदर देखते हैं, सबसे पहले इस जो अर्थवर्म है वो क्या कर रहा है, अपनी पूरी बॉडी को एक्सटेंड किया, यानी इलोंगेट किया. क्लियर है, सबसे पहले इन्होंने अपनी बॉडी को क्या किया, एक्सटेंड किया फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड to the ground and then fix the front end and releases the rearer end. अब ये जब अपनी body को extend कर रहे हैं तो सबसे पहला काम extend करने पर क्या कर रहे हैं, ये जो इसका end part होता है, इस end part को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इससे fix कर दिए. ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, अपने front वाले part को extend करके आगे की तरफ जाकर उसको stick किया. Clear है, फिर जो लास्ट पार्ट है इसको क्या किया, यहां से फ्री किया और वापस से अपनी लेंथ को शॉर्टन किया. क्लियर, फिर वापस से ये जो अपना हेड वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा,
लास्ट वाले पार्ट को स्टिक करेगी, फिर लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा एक्सपेंड होकर अपने माउथ वाले पार्ट को स्टिक करेगा, माउथ वाला पार्ट स्टिक हो जाता है, देन आफ्टर ये इसको रिलीज करता है और फिर वो वापस अपने साइज को शॉर्टन करता है। आपको क्लियर समझ में आया? एक बार लैंग्वेज में देखते हैं। देखिए इसके अंदर ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थ वर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे पहले मूवमेंट में अपनी बॉडी के फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड। पहले तो क्या करेगा, पीछे के पोर्शन को ग्राउंड से फिक्स कर देगा, फिर फ्रंट जो एंड है एंड रिलीजेस द रियर एंड, फिर फ्रंट एंड को फिक्स करेगी, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, रिलीज द रियर एंड यानी लास्ट वाला जो एंड है उसको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, और फिर अपने साइज को आप देखिए यहाँ से तो वो स्टिक हुआ हुआ है, तो अपने साइज को शॉर्टन करेंगे तो ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स अप रियर द एंड फॉरवर्ड, दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो अर्थवर्म ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली बेटा, इतने डिस्टेंस कवर कर ली, रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, ये जो चीज है बार बार एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन होता रहता है। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, अर्थवर्म जो है मूव करता है कहाँ पर, सॉइल में, इट्स बॉडी सिक्रेट स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, इसकी बॉडी से एक स्लिमी सब्सटेंस रिलीज होता रहता है जिससे बॉडी की जो मूवमेंट है वो ईजी हो जाती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द बॉडी इन द ग्राउंड, के अंदर ही अपने बॉडी के पार्ट को कैसे फिक्स करता है, अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, देखिए इसकी बॉडी के नीचे की तरफ छोटे छोटे से इस तरीके से हेयर लाइक, बहुत ही बारीक बारीक सी इस तरीके के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, शूक बोलते हैं, क्या बोला, शूक, इजी टू हाँ जी, तो ब्रिस्टल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये जो ब्रिस्टल्स हैं हेल्प टू गेट फुट ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जो इसके अंदर ये जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल्स बोलते हैं, और ये ब्रिस्टल्स किस में हेल्प करते हैं, उनको ग्राउंड में ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट इट्स वे थ्रू द सॉइल, जो भी अर्थवर्म ईट करता है वो सॉइल के थ्रू ईट करता है, इट्स बॉडी देन थ्रू अवे द अनडाइजेस्टेड वेस्ट ऑफ द मटेरियल दैट वी टेक, और ये क्या करता है, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको थ्रो कर देता है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट, ये जो अर्थवर्म की ये जो एक्टिविटी है ये सॉइल ये क्या करता है, सॉइल को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके अपने वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकाल देता है, तो उससे सॉइल क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, मोर फर्टाइल हो जाती है, तो ये प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, कौन, अर्थवर्म, इसी वजह से हम अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड बोलते हैं, क्लियर। एक बार मैं आपको व्हाइट पेज पे और क्लियर कर देती हूँ अर्थवर्म की मूवमेंट, ठीक है, बिकॉज स्नेल की जो मूवमेंट है, नेक्स्ट पॉइंट अपना स्नेल है, सेम मूवमेंट अर्थवर्म की जैसे अपन ने रीड किया वैसे ही सेम स्नेल की है, तो एक बार अपन व्हाइट पेज से पूरी मूवमेंट को समझ लेते हैं वापस से, ताकि आपको स्नेल की मूवमेंट भी क्लियर हो जाए। देखिए सपोज कर रहे हैं ये हमारा अर्थवर्म है, क्लियर, इन्होंने क्या किया, हल्का सा अपनी बॉडी को फर्स्ट प्रोसेस क्या किया है, एक्सपेंड किया, ठीक है, फर्स्ट क्या किया, एक्सपेंड किया, देन इसका जो ये रियरर एंड है इस एंड को जो सरफेस है उस पर क्या किया, स्टिक कर दिया, ठीक है, उस पर क्या किया, स्टिक किया, क्लियर। स्टिक करने के बाद में जो अर्थवर्म की पूरी बॉडी है उसका जो हेड पार्ट है, आफ्टर दैट उन्होंने जो ये हेड पार्ट है इसको यहां पर क्या किया, स्टिक कर दिया, जैसे ही जो ये हेड पार्ट है वो स्टिक हो जाता है उसके बाद में जो रियर एंड है वो उसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा, ठीक है, इस एंड को जैसे ही फ्री किया उसके बाद में ये अपनी बॉडी को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे या कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। सबसे फर्स्ट क्या हुआ, सबसे फर्स्ट उन्होंने अपनी बॉडी को एक्सपेंड किया, ठीक है, देन आफ्टर रियर एंड को स्टिक किया, देन आफ्टर हेड पार्ट को स्टिक किया, हेड स्टिक,
ठीक है, हेड पार्ट को स्टिक किया, उसके बाद में इन्होंने जो रियर एंड था उसको फ्री किया, उसको फ्री करने के बाद में उस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है, स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्नेल। Observe a snail in your garden or in field. Have you seen and rounded structure it carry on its back? आपने स्नेल को देखा होगा, आपने सुना होगा। ये सबसे स्लो मूवमेंट जो होती है वो किसकी होगी बेटा? स्नेल की होती है। सबसे स्लो चलने वाला जो एनिमल है वो क्या है? स्नेल है ना। तो स्नेल भी हमें गार्डन में इजिली अवेलेबल होता है। आपने इसके बैक साइड में इस तरीके का राउंड स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। तो ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, हैव यू सीन अ राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरी ऑन इट्स बैक? दिस इज कॉल्ड अ शेल। इसी को हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। शेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आउटर स्केलेटन ऑफ अ स्नेल। स्नेल के अंदर की तरफ स्केलेटन सिस्टम, कोई बोन सिस्टम, कोई ज्वाइंट सिस्टम नहीं होता है। इसके आउटर में एक्सो स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो स्नेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। बट इज नॉट मेड ऑफ बोन। ये जो बना होता है ये बोन से नहीं बना हुआ, ये जो शेल है। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो शेल है वो सिंगल यूनिट है, ये हेल्प नहीं करता। ये जो जो एक्सो स्केलेटन है बिल्कुल हेल्प नहीं करता है उसको क्या करने में? मूवमेंट में। इट हैज टू ड्रैग अलोंग। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। आप इसे स्नेल को एक ग्लास प्लेट पे रखें। ग्लास प्लेट पे किस लिए रख रहे हैं? ताकि हम उसको नीचे से भी क्या कर सकें? ऑब्जर्व कर सकें कि किस टाइप की मूवमेंट स्नेल शो कर रहा है, ठीक है। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग, जैसे ही स्नेल जो है मूव करना स्टार्ट करता है, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट। हम ग्लास प्लेट को थोड़ा ऊपर की तरफ देखकर नीचे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो स्नेल ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड, ठीक है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनेथ। आप नीचे से इसकी मूवमेंट को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट एंड ओपनिंग ऑफ द शेल। अब स्नेल से के जो शेल है वहां से पहले एक डोर लाइक चीज ओपन होती है, उसमें से शेल के अंदर से द थिक स्ट्रक्चर इज इट फुट मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मसल्स। उसके अंदर से एक थिक स्ट्रक्चर जो है मसल्स की वो बाहर निकलती है, जिसको हम इसी थिक मसल्स को या स्ट्रॉन्ग मसल्स को ही हम उनके क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं। इसके अंदर कोई ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई हेयर लाइक या लेग लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। सिर्फ मसल्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर उस ग्लास प्लेट से बाहर आती है, उसी मसल्स से जो है उन्हीं को ही हम उनके फुट बोलते हैं। किसका? स्नेल का, ठीक है। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन इज द मूवमेंट स्नेल स्लो और फास्ट कंपेयर टू अर्थवर्म। देखिए अब ये जो इसके जो मस्कुलर फुट जो ये बाहर निकला है, ये सेम जैसा हमने अर्थवर्म में रीड किया था, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, आगे स्टिक होगा, देन आफ्टर वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वापस वो एक्सपेंड होगा, वापस वो स्टिक करेगा, वापस अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करेगा। तो सेम जैसा अर्थवर्म में मूवमेंट था, सेम वैसे ही आपके स्नेल के अंदर मूवमेंट प्रेजेंट होता है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों का, अर्थवर्म का और स्नेल का अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो दोनों में से कौन ज्यादा स्लो और कौन फास्ट होता है? अपन ने स्टार्टिंग में ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तभी अपन ने बात कर ली थी जो स्नेल है वो कैसा एनिमल है? स्लो मूवमेंट वाला एनिमल है, ठीक है। तो अर्थवर्म और स्नेल का कंपेरिजन करते हैं तो अर्थवर्म कंपेरिजन टू स्नेल फास्ट होता है और स्नेल क्या होता है? स्लो होता है। ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इन नेक्स्ट टुमारो क्लास। ओके।